फिरोजाबाद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक जिला स्तरीय 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन दाऊदयाल स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें जिले के लगभग 64 कॉलेज के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी। कॉलेज प्रधानाचार्य ओमकर सिंह ने बताया, ये जिले में पहली बार DLED और BTC छात्रों की खेल भावना को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, क्रिकेट मैच, टेनिस आदि खेल होंगे। यह जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें दो तरह का है, जैसा अभी सर ने बताया था। एक तो पुरुष वर्ग है, महिला वर्ग है। पुरुष वर्ग में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 5000 मीटर। महिलाओं में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर। इसके साथ साथ लॉन्ग जंप पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, हाई जंप पुरुष वर्ग, महिला वर्ग तथा शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, इतने तो ये इंडिविजुअल वाले हैं। इसके साथ कबड्डी महिला पुरुष, खो खो महिला पुरुष, वॉलीबॉल महिला पुरुष, फुटबॉल महिला पुरुष, बैडमिंटन एकल और बैडमिंटन डबल महिला पुरुष, इतनी प्रतियोगिताएं। इसके साथ साथ योगा का भी कार्यक्रम है। इसमें डाइट की टीमें भाग लेंगी, जैसा अभी सर ने बताया था। 64 कॉलेज भाग लेंगे, 64 कॉलेजों से टीमें आएंगी। ये दाऊदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम फिरोजाबाद में 19, 20 और 21 दिसंबर को 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 64 कॉलेजों के बच्चे प्रतिभाग करेंगे, जिनमें DLED अर्थात BTC कोर्स संचालित हो रहा है। ये हमारे डायरेक्टर SCERT की एक नवाचार की पहल है। ये पहली बार प्रदेश में जो हमारे DLED के स्टूडेंट्स हैं, उनकी खेल भावना को विकसित करने के लिए एक ये अभिनव प्रयोग उनके द्वारा किया गया है, और ये पूरे प्रदेश में और प्रदेश की सरकार द्वारा भी सराहा गया है। इस हमारे खेल में एथलेटिक्स प्रतियोगिता होंगी, जिसमें 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 800 मीटर, 400 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर, ये इंडिविजुअल इवेंट्स है। टीम स्पर्धाओं में कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कुश्ती है, ये टीम प्रतियोगिता और योगा है। ये इसका जो उद्घाटन है 19 तारीख को प्रातः 10:30 बजे जनपद फिरोजाबाद की सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रियंका सिंह करेंगी, और प्रतियोगिता का समापन 21 तारीख को 2 बजे जनपद की जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा जी करेंगी। मुझे उम्मीद है कि इस खेल आयोजन के माध्यम से हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनको अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।